सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में। हेलो दोस्तों, आप जिस तरह से देखते होंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, जो बहुत गरीब हैं, जो चाहते हैं कि वो भगवान के दर्शन करने जाएं, वो चाहते हैं कि वो वैष्णो देवी जाएं, वो चाहते हैं कि वो अमरनाथ जाएं, वो चाहते हैं कि वो तिरुपति जाएं, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से वो कहीं नहीं जा पाते हैं, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है, बाकी सब कुछ है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है। जी हाँ, ये तीर्थ दर्शन योजना सिर्फ गरीबों के लिए है, जो कि जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो अपने पैसों से कहीं दूर की यात्रा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये योजना सिर्फ 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए है। अब इसमें हमारा रोल ये आता है कि 60 साल से ऊपर वाले लोग इंटरनेट तो चलाते नहीं है, और अगर वो गरीब है और 60 साल का है, बुजुर्ग है, तो वो तो चलाता ही नहीं है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, जो हम यूथ लोग हैं, जो 15 से 35 साल, 40 साल, 50 साल वाले लोग जो इंटरनेट चला रहे हैं या जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस योजना के बारे में गरीबों को जरूर बताएं, जिससे कि वो इस योजना का लाभ उठा सकें और भारत के जितने भी तीर्थ हैं उन सबकी यात्रा कर सकें। हमारा मिशन है कि हम सरकार की हर योजना को गरीब से गरीब और हर आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारे चैनल का मिशन है। हमारे इस चैनल में आप भी कदम से कदम, हमारे इस मिशन में आप भी कदम से कदम बनाएं, कदम से कदम बढ़ाते हुए चलें, और जितनी भी योजना है उन वीडियो के माध्यम से लोगों तक शेयर करें। अगर शेयर नहीं कर सकते हैं तो उन्हें बताएं जरूर, जिससे वो इस योजना का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में। ये योजना की शुरुआत हुई थी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए। इस योजना का उद्देश्य था कि जो वरिष्ठ नागरिक है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको मध्य प्रदेश के बाहर विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाने के लिए, इस यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों के रुकने के लिए, भोजन के लिए, आवागमन और गाइड आदि की सुविधाएं बिल्कुल निशुल्क दी गई हैं। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3 सितंबर 2012 को शुरू हुई थी। सबसे पहले जर्नी थी वो थी रामेश्वरम, और आज इस योजना को 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं इस योजना में कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। सबसे पहले तो जिनकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ऊपर है, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो किसी भी तरह का टैक्स नहीं देते हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, और वो किसी भी तरह की बीमारी जैसे कि टीबी, सांस की बीमारी, हार्ट डिजीज या लेप्रोसी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वो पहली बार ही वहां पर जाना चाहिए, और वो किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दें, तो वो ही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम आपको बताते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। इसके लिए जो कोई तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उठाना चाहता है, उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपनी तहसील या सब तहसील में जमा करना होगा। इस फॉर्म की लिंक हमने आपको इसके जो बॉक्स है, जहां पर मैंने आपके साथ इस लिंक को शेयर किया है, आप चाहे तो वहां से उसका प्रिंट आउट निकालकर किसी भी गरीब को इस योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। यहां पर आपकी जवाबदारी आएगी, यहां पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या तो आप वोटर आईडी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या आधार कार्ड दे सकते हैं, आप चाहे तो राशन कार्ड भी दे सकते हैं, एक आपको फोटो भी इसमें देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, तो सरकार अनुमति देती है कि आप किसी भी आदमी को उनके साथ ले जा सकते हैं।
उनकी अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड अपनी वाइफ को ले जा सकता है, और अगर वाइफ है तो वो अपनी हस्बैंड को ले जा सकते हैं। जिनकी उम्र 65 साल है, 65 साल से ऊपर है, और अगर वो किसी अटेंडेंट को ले जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो 60 साल के हों। 60 साल से कम उम्र वाले भी एज ए अटेंडेंट उनके साथ जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो कि एक बहुत गांव में रहते हैं, वो चाहते हैं कि 25 लोग एक साथ जाएं, तो आप 25 लोगों का ग्रुप बनाकर भी वहां पर भेज सकते हैं और वो सिलेक्टेड होंगे। एक लॉटरी निकाली जाएगी कलेक्टर के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा। इसमें किसी भी तरह के चार्जेस, किसी भी तरह के शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, वहां के कलेक्टर के द्वारा की जाती है। सबसे पहले तो इस तरह से की जाती है, किसको कहां पर जाना है उसके हिसाब से। अगर नंबर, मान लीजिए कि अगर कोटा है 1000 लोगों का, 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं, तो वहां पर लॉटरी सिस्टम के द्वारा उनका नाम निकाला जाता है और फिर उनको वहां पर भेजा जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कि सरकार फैसिलिटी देती है कि आप ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, तो सारा खर्च, सारा खाने का खर्च, सही सारी चीजें वही निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि हमें कुछ और भी सुविधाएं चाहिए, तो वो अदर फैसिलिटी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनका चार्ज लगेगा। इसके अलावा कोई भी इनफ्लेमेबल जो मटेरियल होते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो ले जाने की इजाजत नहीं है। वो किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार कहां कहां के लिए इस तरह की फैसिलिटी दे रही है, कि श्रद्धालु कहां कहां जा सकते हैं। श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वारका जी, हरिद्वार, अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिरडी, तिरुपति बालाजी, अजमेर शरीफ, काशी, अमृतसर, रामेश्वरम, सम्मेद शिखर, श्रवम बेलगोला एंड बिलांगी चर्च, यहां पर जाने की सरकार सुविधा दे रही है। इन सब जगह पर श्रद्धालु जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो जा सकते हैं। वहां पर उनके रहने का, खाने का, आने जाने का जितना भी खर्च होगा वो सारा खर्च सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं है। तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस योजना को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और योजनाएं पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। अगर आपने घंटी का आइकन नहीं दबाया है तो उसे दबाना भी ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं अब और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता।